हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूवर्स साथियों का हमारे स्टेनियस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए सेवी विभाग की एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए जहाँ दोस्तों जो यूनियन बैंकों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक बाद में करेंगे। सबसे पहले जो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ से ये एक बैंकों के लिए तोहफा आया है, इसको हम आप तक पहुंचाते हैं। पूरी खबर हमारे पास जो आई है ये प्रभाक्षी न्यूज़ नेटवर्क से आई है और 29 नवंबर जी हाँ दोस्तों 2019 आज की लेटेस्ट न्यूज़। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को सरकार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI के शेयर धारकों के लिए खुली पेशकश से छूट दे दी। सरकार की ओर से बैंक में प्रस्तावित शेयर पूंजी डाले जाने के बाद बैंक में उनकी हिस्सेदारी में 12.48% बढ़ने को देखते हुए उसे यह छूट दी गई है। हालांकि सरकार को छूट शर्त दी गई है, बैंक को न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता नियमों में अनुपालन के लिए सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% हो करनी होगी। आगे खबर है, बैंक ने नवंबर में अपने प्रयत्न भारत सरकार की ओर से सेबी से उसे अधिग्रहण नियम से छूट देने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने बैंक में 11.768 करोड़ रुपये की इकट्ठी पूंजी डालने का प्रस्ताव किया है। यह पूंजी तरहीजी आधार पर शेयर आवंटन के जरिए दी जा रही है। बैंक में पूंजी डालना सरकार के बासेल नियमों के तहत बैंकों में पूंजी का आधार बढ़ाने के कार्यक्रम का हिस्सा है। फिलहाल बैंक में सरकार की 74.27% हिस्सेदारी है और प्रस्तावित 165.98 करोड़ इक्विटी शेयर के आवंटन से बैंक में सरकारी हिस्सेदारी 12.48% बढ़कर 86.75% हो जाएगी। इसी हिस्सेदारी के आधार पर अधिग्रहण नियम SST के तहत खुली पेशकश की अनिवार्यता है। जी हाँ दोस्तों, आगे खबर है कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने एक आदेश में कहा है कि बैंक में शेयर पूंजी डाले जाने से प्रबंधन नियंत्रण में बदलाव नहीं होगा। अतिरिक्त पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार तथा बैंक के सामान्य व्यापार कार्यों में किया जाएगा। इसको देखते हुए नियामक ने सरकार को अधिग्रहण नियमन की ज़रूरतों के अनुपालन से छूट दी है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको सेवी विभाग की हमने आपको दी। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। पल पल की खबर हम आपको देते हैं।